Assalamu alaikum, students. Today we are going to discuss a very interesting topic translation of axis. First of all, we should know about what is meant by translation of axis. Then we also discuss some examples related to translation of axis. Translation of axis, transformation which is obtained by shifting the origin to a given different point in a plane without changing the direction of the coordinate axis. बेसिकली जो ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस में दो चीज़ें चीज़ें जो हैं ये हमें नोट डाउन करनी चाहिए एक तो औरिजन जो है वो अपनी ओरिजिनल पॉइंट से किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा उसी रीजन के अंदर ठीक है और सेकेंडली जो है औरिजन तो शिफ्ट हो रहा है लेकिन डायरेक्शन जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस की वो रिमेन सेम ही रहेगी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस की सिर्फ रीजन जो है उस रीजन के अंदर अपने ओरिजिनल पॉइंट से किसी और पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा अब ओरिजिनल पॉइंट जो है ओरिजिन का ओ था और जो शिफ्ट होने के बाद हमारे पास पॉइंट आया वो आया है ओ डैश ठीक है इसी तरह जो ओरिजिनल हमारे पास कोऑर्डिनेट्स थे वो एक्स और वाई थे और शिफ्ट होने के बाद जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो है हमारे पास एक्स डैश एंड वाई डैश ठीक है अब ये जो दो डिस्टेंस जो रेड लाइन में हमने शो किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमने ये बेसिकली यहाँ से शो करवाया है कि हमारे पास एक्स एक्सिस जो है वो कितना अपवर्ड मूव हुआ हु है ठीक है ये रेड लाइन हमें ये शो कर रही है ये जो रेड लाइन है हमारे पास ये शो कर रही है कि एक्स एक्सिस जो है वो कितना अपवर्ड मूव हुआ हु है ठीक है।, हु है, है और ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस है जो एक्स एक्सिस जितना अपवर्ड मूव हुआ है ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस है और ये वाली जो रेड लाइन है ये हमें ये शो करिए कि वाई एक्सिस जो है वो कितना राइट साइड पर शिफ्ट हुआ है हमारे पास ठीक है तो ये डिस्टेंस जो है ये वाई एक्सिस का है जो कितना राइट right साइड पे शिफ्ट हुआ है और बेसिकली ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और हम कह सकते हैं कि ये इस ओरिजन का एक्स कोऑर्डिनेट होगा ठीक है जितना वाई एक्सिस राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है और जितना एक्स एक्सिस जो है वो अपवर्ड शिफ्ट हुआ है वो हमारे पास क्या होगा वर्टिकल डिस्टेंस होगा और जितना वाई एक्सिस जो है वो लेफ्ट साइड वो राइट साइड पर शिफ्ट हुआ है वो उसका क्या होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ठीक है ये डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है को हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में ओके ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन ऑफ कर्व्स बिटवीन कार्टीन कोऑर्डिनेट सिस्टम बेसिकली हम कार्टीन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो है इक्वेशंस निकालना चाह रहे हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद हमारे पास आती हैं या बेसिकली हम ये निकालना चाह रहे हैं कि जो ओरिजिनल एक्सिस है और जो न्यू एक्सिस है इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स के दरमियान हमें रिलेशनशिप चाहिए ठीक है हम ये रिलेशनशिप आप निकालते हैं सबसे तो पहले इसमें जो भी चीज़ें हमने लेबल की हैं उनको देख लेते हैं कि वो क्या क्या है ओ एक्स वाली रे तब यहाँ से ओरिजिनल एक्सिस से लेकर ये एक्स वाली जो रे और ओरिजिनल एक्सिस से जो वाई वाली रे है ये हमारे पास रेज जो हैं किसकी हैं ओरिजिनल एक्सिस की हैं है, और ये ओ डैश से वाई डैश ओ डैश से वाई डैश और ओ डैश से एक्स डैश तक जो हमने रेज ली हैं ये हमारे न्यू एक्सिस हैं ठीक अब हमने एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया है उस पॉइंट को हमने कहा है कि ये पी एक्स वाई अब ये पी एक्स वाई जो है ये रिमेंबर डेट है कि ये पॉइंट जो है ये ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से है ठीक है मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमने स्मॉल एक्स लिया है और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो हमने क्या ले लिया है स्मॉल वाई बेसिकली ये स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई जो है इसके ओरिजिनल से डिस्टेंसीज हैं ठीक है और ये ओरिजिनल एक्सिस से डिस्टेंसेज जो हैं ये भी हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि एक्स एक्सिस से जो इसका कितना डिस्टेंस है वो हो जाहरी बात है वर्टिकल डिस्टेंस होगा वो 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 इसका वाई कोआर्डिनेटर ये वाई ये हमारे पास यहाँ से एक्स एक्सिस से इस पी वाले पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ठीक है और जो इसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वाई एक्सिस से लेकर इस पी वाले पॉइंट तक जो हमारे पास डिस्टेंस है उसको हमने कह दिया एक्स ठीक है ये बेसिकली हमारे पास ओरिजिनल पॉइंट या ओरिजिनल एक्सिस के हिसाब से जो ये पॉइंट था इसको हमने मेंशन कर दिया कि इसके एक्स कोऑर्डिनेट और एक्सिस कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो क्या शो कर रहे हैं ओके अब नेक्स्ट थिंग हमारे पास ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एज कोमा के मतलब क्या है इसका कि ये ओरिजिन जो है हमारे पास एज कोमा के इसका हमारे पास क्या है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और के क्या है इसका वर्टिकल डिस्टेंस इसने इतना डिस्टेंस जो है वो शिफ्ट हो गया ये ठीक है या इतने पॉइंट्स जो है ये हमारे पास एक्सेस जो है वो शिफ्ट हो गया है वो उसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एच और के आ रहे हैं ठीक है एच हमारे पास बेसिकली क्या है औरिजोनटल डिस्टेंस उसको हमने ये मैंशन कर दिया कि वाई एक्सिस जो है वो कितना राइट साइड पर शिफ्ट हुआ है वो उसका औरिजोनटल डिस्टेंस है ठीक है और एक्स एक्सिस जो है वो कितना अपवर्ड शिफ्ट हुआ है वो ये के वाला डिस्टेंस है कि जितना एक्स एक्सिस हमारे पास जो है अपवर्ड को शिफ्ट हुआ है ओके अब जो न्यू डिस्टेंस हमारे पास आया है जो हमारे पास इस पी वाले पॉइंट का जो है न्यू मतलब न्यू कोऑर्डिनेट से जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो ये डिस्टेंस है ठीक है मतलब उसका बॉय वाला जो कोऑर्डिनेट वो ये होगा और इसी तरह ये जो पी वाला पॉइंट है इसका न्यू वाले कोऑर्डिनेट्स बॉय कोऑर्डिनेट से जितना डिस्टेंस होगा वो ये पॉइंट है ठीक है और जो न्यू कोऑर्डिनेट से इसकी डिस्टेंस है उसको हमने लिख लिया है एक्स डैश और वाई डैश ओके अब अगर हम x टैश और y डैश जो हैं ये न्यू वाले डिस्टेंसेज हैं ठीक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हमारा क्या है h है ठीक है तो अगर हम ये x टैच प्लस एच कर दें तो ये टोटल हमारे पास बेसिकली जो x है वो उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी ठीक है इसी तरह अग ये हमारे पास y डैश वाला डिस्टेंस है और यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस क्या था k अगर हम y डैश प्लस के कर दें तो ये टोटल डिस्टेंस हमें मिल जाएगा फाई ठीक है और ये हमारे पास क्या है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई हमने लिए हुए हैं ठीक है ये कहाँ है ओरिजिनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अब बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि हम दो न्यू कोऑर्डिनेट्स निकालें ओरिजिनल हमें गिवन है ओरिजिन भी हमें पता है कि एच और क्या है और वहाँ से हम न्यू कोऑर्डिनेट्स की जो है वो वैल्यू निकालना चाह रहे हैं ठीक है थीके? तो हम जो है पॉइंट फाइंड करना चाह रहे हैं वो बेसिकली ये डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं और यहाँ तक जो है इसका डिस्टेंस जो है ये इस लाइन तक जो है वो फाइंड करना चाह रहे हैं ठीक है इस पी वाले पॉइंट का अब देखें ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा टोटल जो है ये हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो ये टोटल डिस्टेंस हमने क्या कहा था कि ये यहाँ तक जो डिस्टेंस हमारे पास आ रहा था एरो तक ये एक्स था और अगर हम वर्टिकली देखें तो ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ रहा था वाई ठीक है और ये हमने लेंस भी देख ली थी कि ये के है हमारे पास वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल है अब अगर इन एच और के को हम एक्स और वाई से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्स टैश और वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी ओके देखिए हमने एक्सटैश की वैल्यू कैसे निकालनी है न्यू कोऑर्डिनेट्स की एक्स माइनस एच करके और इसी तरह हॉरिजॉन्टल वाली निकाल ली और इसी तरह हमने वर्टिकल वाली भी निकाल लेनी है वो वाई माइनस के करके ठीक है वो ये अब क्लियर हो गया होगा आपको कॉन्सेप्ट इस पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो हमने की है बेसिकली इससे ये क्लियर हो गया है सारा कॉन्सेप्ट ठीक है अब इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जिसमें हम लोगों ने ये इनके एक दूसरे से रिलेशनशिप जो है वो फाइंड किया ठीक है सबसे पहले हमने इस एग्जाम्पल में देखें एक तो पी वाला पॉइंट गिवन है ओके okay, और ये हमें न्यू एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की बन है ओ डैश बी द पॉइंट्स इन द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी टू द ट्रांसलेशन ओ डैश एक्स कहते कि ओ डैश एक्स अगर ट्रांसलेशन हो चुकी है तो आप ये बताएं कि ओ डैश एक्स और ओ डैश वाई के बाद जो न्यू कोऑर्डिनेट्स में इसके पॉइंट्स आ रहे हैं वो क्या हैं ओके okay, तो वो हमें फाइंड करने हैं मीन हमें ओल्ड uh, वाले गिवन है और हमने फाइंड क्या करने हैं न्यू कोऑर्डिनेट्स में ठीक है अच्छा अब अगर ये पी जो है वो ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स गिवन है तो इट मीन एक्स स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई की हमें वैल्यू गिवन है वो क्या है ए टू थ्री पी वाले पॉइंट्स हमें पता चल रही है ठीक है और जो ओरिजिन की हमें वैल्यूज गिवन थी ओरिजिन हमारे पास क्या था ये ठीक है औरजन में हमारे पास जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट उसको हमने एच कहा था जो वाई वाला कोऑर्डिनेट है वाला उसको हमने के कहा था तो एच और के हमारे पास क्या आ गए हैं टू और माइनस फाइव अब हमने पिछली स्लाइड में इनका रिलेशनशिप देखा है कि अगर हमारे पास न्यू कोआर्डीनेट्स गिवन हो और ओल्ड कोआर्डिनेट्स गिवन हो और वहाँ से हमें न्यू कोआर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो हमें क्या करना पड़ेगा ये वाली दो जो है रिलेशनशिप अब हम यूज़ करने लगे हैं ठीक है तो एक्स डैश हमारे पास किसके वोल होगा एक्स माइनस एच के और वाई डैश किसके होगा वाई माइनस के y -k के ठीक है तो देखते हैं कि ये हमारे पास कैसे ये दोनों जो हैं वो यूज़ होंगे और हमारे पास न्यू वाले कोआर्डिनेट्स जो हैं वो आ जाएंगे ठीक है डेट इज एक्स एक्सटेशन वाई डैश अब ये देखें एक्स वाला कॉर्डिनेट जो है एक्स माइनस एच है और वाई माइनस के हमने किए हैं तो एट माइनस टू डेट इज सिक्स एट माइनस टू जो है हमारे पास क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा ठीक है और थ्री में से हम सब ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव फाइव तो वो हमारे पास एड हो के आंसर दे देगा एट ठीक है तो ये हमारे पास नए कोऑर्डिनेट्स में इसकी जो है वो वैल्यूज़ हैं अब नेक्स्ट वाले में देखते हैं एग्जाम्पल में उसमें हमारे पास न्यू कोआर्डिनेट्स गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है ओल्ड वाले कोआर्डिनेट्स जो हैं वो हमें चाहिए ठीक है ओरिजिन भी गिवन है अब ये न्यू कोआर्डिनेट्स के ये पी जो है रेफर टू एक्स डैश वाई डैश कोआर्डीनेट सिस्टम ये हमें गिवन है ठीक है और ओरिजिन की वैल्यू जो हमें गिवन है वो क्या है फाइव कोमा सिक्स अगर ओल्ड एश पी जो है वो न्यू कोआर्डिनेट्स में है तो इट मीन एक्स डैश एंड वाई डैश की वैल्यू गिवन है ओके okay? और इसी तरह हमारे पास एच और के की वैल्यू भी गिवन है वो क्या है फाइव एंड सिक्स ठीक है जो ओल्ड डैश के कोऑर्डिनेट्स हैं बेसिकली वो हमारे पास एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट्स ले लिए अब हमने नए कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं तो हमने कहा था कि जब हमारे पास बेसिकली सॉरी नए कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमने ओल्ड वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए हमने क्या कहा था कि हमें ऐड करना पड़ेगा ठीक है एच और के की वैल्यूज़ को इनको हमने एडअप किया तो थ्री प्लस फाइव जो है वो हमारे पास आ गया एट इस तरह हमारे पास जो है फोर प्लस सिक्स जो है वो हमें क्या वैल्यू देगा टेन तो ये हमारे पास ओल्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए बाय यूजिंग न्यू कोऑर्डिनेट्स एंड ओरिजिन वैल्यू ओके थैंक्स फॉर वाचिंग होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस